तेरा सूट बड़ा टाइट, 5 फीट की तेरी हाइट, उस पे करती रहती फाइट, बेबी प्यार भी कर ले थोड़ा मस्त। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग है ना इस नीम के पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी छांव में, और ये गांव का माहौल कितना प्यारा होता है, कितना है ना हर्षिता, इतना मजा आ रहा है हमको यहाँ के। अच्छा नहीं लगता गांव में, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग डर रहते कि ये अंकल जी हमसे मना ना करें वीडियो बनाने का, पर ये इतने अच्छे हैं, इन्होंने बोल दिया कि आ जाओ वीडियो बनाने। चलो हर्षिता एक गाना सुना दो। कौन सा सुना दो? होली आ रही है। नहीं उसका कुछ भी। तेरा सूट बड़ा टाइट, 5 फीट की तेरी हाइट, उस पे करती रहती फाइट, बेबी प्यार भी कर ले थोड़ा मस्त। वाह वाह, क्लैपिंग, बहुत अच्छा गाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये दीपक भैया भिखारी के रूप में अंदर आ रहे हैं। बन गई अभी तो, और बनेगी, अभी तो स्टार्ट किए। दीदी लग रही है सिल्वर सेठी फ्रेंड्स, दीदी लग रही है सिल्वर सेठी साड़ी में। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, झांक रहे हैं, एक खिड़की के एक ऊपर एक नीचे एक यहाँ, जगह जगह खड़ा है, एक ही नीम पर चढ़ा है। इतने चिल्लाना पड़ता है, दीपक ही आएगा ना? और कौन? दीपक आएगा, हर्षिता से बोलेगा बस। और आगे से ले रहा है इसका नाम माम। अरे सारे निकाल दो। घमंडी हर्षिता। अरे मालती हर्षिता अंदर है। और याद आ रही है, याद आ रही। दादा जी तुम जहाँ जाओ निकलना, मत खोलो यार, समझ में नहीं आ रही को तुम्हें बिल्कुल भी। दूर से ही तो देख लो बच्चे। चुप हो जाओ सब, चुप हो जाओ, मत बात रहा, मैं हमारी हाथ का रिकॉर्ड हो जाएगी। मालकिन कहाँ है? मालकिन अंदर है। और तू इतना लेट कैसे हो गया? तुझे पता नहीं की काम करना है? कितने फटे कपड़े पहन कर रखे हैं, देख मेरी कितने अच्छे हैं, तू कितना गरीब है, तू पूरे फटे कपड़े पहने हैं। अंदर है मालकिन? हाँ अंदर है। और ना मालकिन से तुझे क्या करना, तू तो काम करने आता है ना, जल्दी से जाकर काम कर। जला रही हूँ। फर्टीचर सुन, पहले बर्तन मार दे, घर के सारे बर्तन डाले हुए हैं, कितने सारे, ऐसे हाथ करके कहना ठीक है, काम कर जा जल्दी। फर्टीचर पहले ना तू घर के बर्तन मांज देना, इतने सारे बर्तन डाले हैं वो मांज देना, फिर और कोई काम करना ठीक है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं जी फर्टीचर, मम्मी ने भी पता नहीं इनसे कहाँ से काम पे लगा लिया। माया दी तो भैया बर्तन टच मारा लगता है। बस ज्यादा भी नहीं जा सक, सेकंड का क्लोज है, पास है बर्तन का चेहरा। ये कौन सी वीडियो का शूटिंग चल रही थी दीदी? अभी हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं ना, कौन सी वीडियो थी ये? बता दो वीडियो का टाइटल, बता दीजिए मुझे। झाड़ू वाला सीन। अच्छा तो ये हर्षिता घमंडी बनी है, मैंने पहले कहा था घमंडी हर्षिता, फिर बाद में माफी मांगना पड़ेगा, पछतावा तो होता ही है घमंड का। लेकिन मैं सच में नहीं करती। यस फ्रेंड, वो तो एक्टिंग में करना पड़ता है हमें, हर्षिता को घमंडी का रोल। अब लोग हम लोग ना अभी दूसरे घर पे आए थे वीडियो बनाने के लिए घमंडी लड़की का, पर यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है वो इसलिए क्योंकि अपन को बैठने का बहुत अच्छी जगह मिल गई है, पेड़ के नीचे, और नीचे ये टेबल पलंग।
और देखिए फ्रेंड्स, ये दीपक भैया काम कर रहे हैं। अभी तो इन्होंने बर्तन साफ किए थे, अब इनको झाड़ू लगाना पड़ रहा है, फिर इनके लीपना भी पड़ेगा क्योंकि पोछा तो लगा नहीं सकते। ये हम हैं, ये हमारी दीदी हैं और यहाँ पर शूटिंग हम कर रहे हैं। शूटिंग कर रहे हैं। ये हर्षिता है और ये निखिल है और यहाँ पर इन दोनों की पिटाई हो रही है। निकल जा, मेरे घर से निकल जा। निकाल दो। हाँ मैं जा रहा चोर कहीं का। मैं खड़े हो जाऊंगा ना। अच्छा खड़े हो जाएंगे। निकलना है क्या मेरे को? थोड़ी निकल दीपक से निकल जाके आ ही जाइए पास में। मैं निकल जाना है। दादा है अब ना पीछे हो जाओ। खड़े तुम जा मैं कहूँ ना दीपक से निकल जाना। पीछे मत छुपना, थोड़ा चेहरा इधर कर लेना। अगर मैं कहूँगी निकल जाना यहाँ से तो आ ही जाना है। रेडी निकल यहाँ से, आ मत जाना मेरे घर में, कदम मत रख लेना। रुक जा, मैं चल रही हूँ। आ जा, आ जा, आ मत जाना मेरे घर में, कदम मत रख देना। चोर कहीं का? चोरी इनने नहीं करी, चोरी इस लड़की ने करी है। ये मेरी बेटी है, ये चोरी कर ही नहीं सकती। नहीं, ये गद्दार है। एक नंबर कहीं का, ये चोर है, ये मेरी बेटी चोर नहीं हो सकती। ये बहुत शरीफ लड़का है, ये चोर नहीं है, चोर ये लड़की है। मत देखो वो, नहीं देखो। अर्षिता बेटा तुम सच सच बताओ, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। सच बताओ मुझे, मुझे ना सच सुनना पसंद है। चोरी मैंने की है। हाँ इसने करी है चोरी। क्या अभी तक मैं इतना झूठ सोच रही थी? ये भगवान, अच्छा हुआ तुमने सच्चाई बता दी, नहीं तो मैं पता नहीं इसके साथ क्या कर बैठती। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया, मुझे पता नहीं था और बिना कुछ सोचे समझे तुम पे इतना चिल्लाई में। बेटा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, तुमने मुझे माफ। चुप रहो, आवाज चली जाती है उसमें, बहुत दूर की आवाज पकड़ करता है माइक। कोई जरूरत नहीं थी। नहीं फिर वो बेटा तुम मजाक क्यों उड़ाती थी? वो चोरी का इल्जाम क्यों लगाया कि ये गरीब थे? माफ कर दो, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर कितना बड़ा इल्जाम लगाया। अरे अरे मालकिन, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बेटा तुमने इन पर चोरी का इल्जाम क्यों लगाया? माँ क्योंकि ये गरीब थे। बेटा चाहे इंसान गरीब हो चाहे अमीर हो, इसे देखा जाता है इंसान की बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए हमें हमने इसे काम पर रखा। आगे से तुम कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना बेटा, ठीक है? हाँ ये हुई ना बात, प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी मजाक नहीं उड़ाओगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ मॉम कि मैं कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। ये हुई ना बात, वेरी गुड बेटा। बन गई ना पूरी। चैनल का नाम क्या है? हाँ सोनम प्रजापति। सोनम प्रजापति, सोनम प्रजापति। हाँ यूट्यूब पे। ये तो बहुत अच्छी चीज है, मैंने जाके पूरी वहाँ पंचायत में आजाद के पेड़। देखिए फ्रेंड्स, हमारी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और देखिए कितने सारे ऑडियंस यहाँ लाइव शो देख रहे थे। क्या हुआ दीपक? तुम्हारी शर्ट इस बैग में रखी हुई है, उठा के पहन लो, बदल लो। दीपक भैया है ना, दीपक भैया गरीब से अब हट रहे हैं। रोल इस बैग में रखी है ना। देखिए कितनी सारी ऑडियंस। हर्षिता, ओ हर्षिता, घर चले अब? चलो ना। कैसा लगा यहाँ पे वीडियो बनाने में? बहुत मजा आया हम लोगों को, हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे कि गांव का माहौल शहर से कई गुना ज्यादा अच्छा होता है। शहर में लोग बस घरों में बड़े होते हैं, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर इन सब में बिजी होते हैं, लेकिन यहाँ की जिंदगी पूरी अलग है। या तो हर्षिता क्या बोलना चाहोगे आप लास्ट में? बात हो रही है, रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो हम हर्षिता काली दिखाई देगी इसलिए नहीं आपको सरदा। हर्षिता तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, तुम गोल अच्छे दिख रहे हो। बाय, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।